व्हाट्स अप लवली पीपल, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया, सब सेफ होंगे। रमज़ान चल रहे हैं और मेरी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो आज यही डिसाइड किया था कि चलते हैं। कैप्शन में देख लिया होगा, बाइक वॉशिंग और चेन क्लीनिंग, क्योंकि बाइक की वो रखी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, और कबूतरों ने बीट कर करके इतनी गंदी कर रखी है कि उस पूछे नहीं। तो पता चला है कि हमारे यहाँ एक सर्विस सेंटर है जो खुल रहा है, तो चलते हैं, उसे वॉश कर रहा है बाइकों को, जा रहा हूँ मैं वहीं पे भी बाइक वॉश कराने। और इस वीडियो में दिखाऊंगा कि बाइक की चेन को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने मंगवा रखा है डीजल, डीजल सब लेके आया हूँ, डीजल है और एक चेन साफ़ करने वाला ब्रश है, तो सारे इक्विपमेंट हैं। तो वॉश पे चलते हैं, पहले बाइक को वॉश कराते हैं, फिर उसके बाद दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग घर पर बैठ के बाइक की चेन को कैसे क्लीन कर सकते हैं, वो भी सस्ते में। तो चलते हैं, फिर बने रहिएगा चैनल पर और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, 99% लोग जो है नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करो। और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, इधर दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, जो 99% अभी जो है नॉन सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं और 1% सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइबर जो है वो भी वीडियो देखें, और नॉन सब्सक्राइबर जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। हमें जो है चेन साफ़ करने के लिए भी चेन थोड़ी सी गंदी हो रखी है, एक ये नट बोल्ट, एक यहाँ नीचे है बोल्ट, और एक ये वाला पेच खोलना है, नट खोलना है। तो इसके लिए अपने पास चाबी है, चाबी है, पेचकस है, डीजल ले आए हैं साफ़ करने के लिए, और एक ये पड़ा हुआ है जिससे हमें चेन साफ़ करनी है। तो इसको खोलते हैं पहले। तो ये खुल जाएगा, तो इसको इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेना है और पेचकस से इसको खोल लेना है। एक पेच खुल जाएगा, एक ये नीचे पेच है, ये खुल के बाहर आ जाएगा ये इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं अभी कितना इसमें कचरा भरा हुआ है, और ये भी सूखी चल रही है। तो इस तरीके से इसमें छेद कर लेना है अभी, कि ताकि पेट्रोल डीजल इसमें से निकलता रहे। तो अभी हम इसमें से इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा इसको गीला कर दिया है, तो इसको इस तरीके से साफ़ कर लेंगे।
लोगों ने भी, हम लोगों ने साफ कर दी अपनी चेन अच्छी तरीके से बाइक की, और बाइक भी चल रही है बिल्कुल मक्खन, क्योंकि पहले जो था चेन का बहुत साउंड आ रहा था। तो बेस्ट यही है कि हर 500 किलोमीटर में अपने चेन को ल्यूब करते रहें और साफ़ करते रहें, और घर में भी आराम से साफ़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल होगी बहुत ज़्यादा। जो जो बाइक चलाते हैं, बाइक के बहुत शौकीन हैं, तो घर बैठे ही अपनी बाइक की चेन साफ़ करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया, और बहुत ही ईजी वे है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है। और तो बस ब्लॉग करते ही ख़त्म, होपफुली पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।